जब आप नो कांटेक्ट पे जाते हो और नो कांटेक्ट के बाद काफ़ी दिन हो जाता है, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जो भी हो, लेकिन जब आप नो कांटेक्ट पे जाते हो और उसके बाद पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हो, उस समय पार्टनर ईगो और एटीट्यूड शो करता है। वो काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखाता है, बात तो करता है लेकिन सही तरीके से वो बात नहीं करता है। मतलब कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो डेवलप होने लगता है और एटीट्यूड शो करता है। आप अच्छे तरीके से भी बात करने की कोशिश करते हो लेकिन वो ईगो और एटीट्यूड ही शो करता है, इसलिए आप बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। आप चाहते हो कि बात अच्छे तरीके से हो। वो ईगो एटीट्यूड शो करता है तो आप कुछ देर तक कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करते हो, लेकिन उसके बाद आप कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर देते हो, आपके अंदर गुस्सा आने लगता है। नो डाउट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हो पार्टनर के ईगो और एटीट्यूड से, तो बार बार ईगो और एटीट्यूड ही दिखाएगा। वो जानबूझ के आपकी वैल्यू यहाँ पे डाउन करने पे तुला हुआ है और वहाँ पे आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि नो कांटेक्ट के बाद ऐसा नहीं है कि आप गए और पार्टनर बहुत अच्छे से बात करने लगा, नहीं, क्योंकि अभी उसकी आदत धीरे धीरे बिगड़ रही है और जब बिगड़ रही है आदत तो आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बढ़ा के रखे हुए। नो कांटेक्ट पे गए हैं आप और आप अपने साइड से ही कांटेक्ट कर रहे हैं, अपने साइड से ही एफर्ट लगा रहे हैं, उस समय पार्टनर अच्छे से आपसे बात नहीं करता है। मतलब वो ईगो और एटीट्यूड ही दिखा रहा है। आप अच्छे से भी बात करने की कोशिश कर रहे हो तो भी ईगो और एटीट्यूड ही शो कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में करें क्या? आप तो इतने दिन से नो कांटेक्ट पे हो, उसके बाद फिर कोशिश कर रहे हो, अपने साइड से एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन उस इंसान के अंदर पता नहीं भूसा भरा हुआ है क्या, ये आप ज़रूर सोचते हैं। आप चाहते हैं रिलेशनशिप ठीक हो लेकिन वो इंसान रिलेशनशिप बिगाड़ने के फिराक में लगा हुआ है और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। आप पूरे समझदारी से काम लेने की कोशिश कर रहे हो लेकिन जब उसका बिहेवियर इतना गंदा देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और आप भी अपना बिहेवियर ख़राब करने लगते हो। लेकिन यहाँ पे करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, एक चीज़ तो है कि पार्टनर के अंदर ईगो पहले नहीं था। जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था उस समय पार्टनर के अंदर ईगो और एटीट्यूड नहीं था, लेकिन जब रिलेशनशिप डैमेज होना शुरू हुआ, रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हुआ, उसके बाद से पार्टनर के अंदर ईगो और एटीट्यूड आने लगा है। मतलब कि पहले वो अच्छा था, अब वो ख़राब होने लगा, उसकी आदतें बिगड़ने लगी है। देखिए, ऐसे सिचुएशन में आपको यह तो पार्टनर से बात करना बंद कर देना चाहिए। हम समझ रहे हैं कि आप नो कांटेक्ट पे जाने के बाद आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं पार्टनर से, लेकिन जब पार्टनर का बिहेवियर इस तरीके से हो जहाँ ईगो और एटीट्यूड शो कर रहा है, वहाँ आपको पूरा पूरा मैच्योरिटी के साथ डील करने की ज़रूरत है। बात बेशक ना हो लेकिन पार्टनर के ईगो और एटीट्यूड को नहीं बर्दाश्त कीजिए। उसके ईगो एटीट्यूड को बर्दाश्त कीजिएगा, आपको लगता है कि हम अगर यदि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो समझ जाएगा, लेकिन नहीं समझेगा। और थोड़ी देर के लिए वो समझ भी गया तो फिर वो इंसान आपके साथ वही करेगा, उसकी आदत इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाली है। तो इस सिचुएशन में यदि मैसेज में आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मैसेज के थ्रू आपका कम्युनिकेशन हो रहा है आपके पार्टनर से, तो सीधी सी बात है, यदि कोई उल्टी सीधी मैसेजेज कर रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, उस सिचुएशन में आप तुरंत जवाब नहीं दीजिए। मतलब कोई ऐसा मैसेज किया आपको जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, जिसका आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि ऐसा मैसेज ये इंसान करेगा, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ और सामने वाला इंसान अगर यदि पूरी गंदी और भद्दी बातें कर रहा है, उल्टी सीधी जवाब दे रहा है, तो आपको बुरा लगेगा। और जब आपको बुरा लगता है तो गुस्से में आप तुरंत रिप्लाई देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। आप रिप्लाई दीजिए, उसके मैसेज को भी सीन कीजिए, लेकिन थोड़ा होल्ड कीजिए, आधे घंटे, 1 घंटे तक, क्योंकि इतने देर तक आपके पास एक प्रॉपर आंसर रेडी होता है ताकि उस इंसान को लगे। बस आधे 1 घंटे के बाद आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए, मैसेज सेंड कीजिए और आधे 1 घंटे के बाद रिस्पॉन्ड कीजिए।
इस तरीके से जब आप आधे या एक घंटा का गैप लेते हैं तो सामने वाला इंसान भी एंजाइटी फील करता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने कुछ बुरा तो नहीं बोल दिया, उसका मैसेज का रिप्लाई आना बंद हो गया। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है और उस बीच आपको कुछ अच्छा सोचने का भी मौका मिल जाता है। और जब वो सोच के एक सही आंसर देते हो, सही जवाब देते हो, तो सामने वाला तो पहले से एंजाइटी फील कर रहा होता है या फिर उसके अंदर एक डर जरूर रहता है कि पता नहीं इसको बुरा लग गया क्या बोलेगा। थोड़ा बहुत तो जरूर उसके अंदर फील होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी। और जब वो जवाब दे के आप साइलेंट हो जाते हो तो इंसान समझ जाता है कि आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आ गया है, तो मैं कुछ भी बोलूँगा या बोलूँगी तो ये इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बहुत सही तरीके से जवाब देगा। तो इस तरीके से जवाब दीजिए, हो सकता है उसके बाद वो फिर से मैसेज को कैरी करेगा और फिर से उल्टी सीधी बातें बोलेगा। आप उसके बाद मैसेज का जवाब देना बंद कर दीजिए, ना आधे घंटे के बाद ना एक घंटे के बाद। इससे वो समझ लेगा कि अब आपका माइंडसेट पहले से बदल चुका है, आप एक मैच्योर्ड इंसान बन चुके हो, तो अपनी आदतें धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगा। तो यहाँ आपको इस तरीके से जवाब देने की ज़रूरत है, ना कि उसके साथ लड़ाई करने की। लड़के आप उसका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ आपको एक मैच्योरिटी लेवल लाने की ज़रूरत है, तभी वो इंसान सुधरेगा और सुधरने की कोशिश करेगा। और नहीं तो आप उसकी गलतियों से कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे तो वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा, उसकी आदत बिगड़ती जाएगी और बिगड़ती जाएगी। तो इस एक्सपेक्टेशन से नहीं कि हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं वो तो अच्छे से बात करेगा, नहीं होने वाला है। पार्टनर की इन इन हरकतों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।